हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। बहुत जने परेशान हो जाते हैं, खासतौर पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, उनका ग्रुप होता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या मैकेनिकल से रिलेटेड, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सर जो है हमें कौन सा जो है कोर्स करना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कोर्स या दूसरा ट्रेनिंग लेना चाहिए जिससे हमारे को जो है एक कोर सब्जेक्ट का जॉब मिले, हमारे को जो है इंटर्नशिप के बाद जो है हमारे को एक जॉब मिले। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या आईआईटी से जो भी कोर्सेस लिए हैं कंप्यूटर के, तो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा दिखा तो वीडियो को ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएं, शेयर ज़रूर करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सभी को पता है, जो है पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज है, जावा प्रोग्राम लैंग्वेज है, C++, C#, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यूजेस क्या होते हैं, अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे, अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए बाद आपको क्या यूजेस होंगे इसके, आपको कौन से जो है जॉब पोजीशंस मिलेंगे आपको, तो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि जो है हमको ये ट्रेनिंग के बाद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आप सीखेंगे ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको क्या यूज़ होगा। देखिए, अगर आप पाइथन करेंगे तो पाइथन से आपको काफ़ी जो है ट्रेनिंग में फ़ायदा होगा, आपको प्रैक्टिकली जो है डाटा साइंस मालूम हो जाएगा क्या होता है, ML मालूम हो जाएगा कि ML आपको कैसा करना है, वेब एप्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, ऑटोमेशन और गेम्स के बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी अगर आप पाइथन कोर्स सीखेंगे। ठीक है, पाइथन कोर्स अगर आप सीखेंगे तो काफ़ी ये नॉलेज आपको मिल जाएगी। और रही बात जो है अगर हम जावा की बात करें, अगर आप जावा जो है कोर्स करे हो जावा का इंजीनियरिंग के बाद, तो आपको एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड ऐप्स को कैसा डेवलपमेंट करते हैं, सर्वर साइड ऐप्स जो सर्वर की साइड पे ऐप्स होते हैं उसको कैसा जो है आपको डेवलपमेंट करना है, कैसा इसको इंट्रोड्यूस करना है, ये भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको इंटरप्राइज ऐप्स के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी, वेब बेस ऐप्स के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी अगर आप जावा की ट्रेनिंग करते हैं, जावा का कोर्स करते हैं। नेक्स्ट आता है C++ लैंग्वेज, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है, HTML इसमें सिखाया जाता है। अगर आप C++ में अच्छी ग्रिप रख लेंगे, अगर आप C++ का कोर्स सीख लेंगे, इसकी ट्रेनिंग सीख लेंगे, तो आपको गेम्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगी, गेम्स डेवलपमेंट में ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऐप्स के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको डाटाबेस में नॉलेज मिल जाएगी, विंडोज OS के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, OS को कैसा इंस्टॉल करते हैं, कैसा डेवलप करते हैं, पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको एम्बेडेड के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है प्रैक्टिकल पूरा हार्डवेयर इसमें सिखाया जाता है उसकी नॉलेज भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप जावा स्क्रिप्ट का कोर्स करेंगे, अगर जावा स्क्रिप्ट का आप ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको जो है सर्वर ऐप्स के बारे में मिल जाएगा नॉलेज, सर्वर ऐप्स को कैसा करते हैं, वेब डेवलपर ऐप्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, मोबाइल ऐप्स कैसा बनाते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी, प्रेजेंटेशंस और फ्लाइंग रोबोट्स के बारे में भी जो है इसमें आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, इसमें अच्छी आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हैं, जावा स्क्रिप्ट की जो है ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट, स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत जने इसको जो है नहीं सीखते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल लैंग्वेज है, स्विफ्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्राम की। इसमें अगर आप सीखेंगे तो आपको iOS ऐप्स के बारे में सिखाया जाएगा, डीप लर्निंग होगी इसके बारे में, आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी सिखाया जाएगा कि इंटरनेट में कौन से चीज़ें होते हैं, पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेंगे। नेक्स्ट, C#, अगर आप सीखेंगे, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, अगर ये आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेंगे, कोर्स लेंगे, तो आपको जो है वेब ऐप्स के बारे में मालूम हो जाएगा डिटेल में, गेम्स की डिटेल भी आपको मालूम हो जाएगी, IoT के बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेक्नोलॉजी की, और बैकएंड सर्विसेज जो भी होते हैं कंप्यूटर के उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स खासतौर पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, मैं काफ़ी जो है गाइडेंस करा हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, सर हमने बीटेक कंप्लीट कर लिया सिविल इंजीनियरिंग से, सर हमने बीई कंप्लीट कर लिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, सर हमने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट कर लिया, सर हमने बीई स्टैटिस्टिकल से कंप्लीट कर लिया, सर हमने बीई बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कंप्लीट कर लिया, सर हमने बीई जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंप्लीट कर लिया, सर हमने बीई या बीटेक जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट कर लिया, सर हमने बीई जो है स्टैटिस्टिकल
मैकेनिकल साइंस से कंप्लीट कर लिया, हम कंप्लीट तो कर चुके हैं, लेकिन हमारे को जो है जॉब नहीं मिल रही है। हम जब जॉब को अप्लाई करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में हम अप्लाई करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, गच्चीबोली के या हैदराबाद के, तो हमें जो है जॉब नहीं मिलती है, हमें जो है एक्सपीरियंस के लिए पूछता है। तो आप अगर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको जो है कोड की लैंग्वेजेस भी पूछेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी ट्रेनिंग है या नहीं है तो वो भी पूछेगा। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है आप बीटेक कंप्लीट करने के साथ साथ, बीई कंप्लीट करने के साथ साथ आपको साइड में जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीख लेना, स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जो भी बीई बीटेक के अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो उसके साथ आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ साथ आपको जावा में, पाइथन में, स्विफ्ट में, C++ में, C# में, ठीक है, ये कोडिंग की लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको जो है ट्रेनिंग ले लेना है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और ये आप अगर जो ट्रेनिंग लेंगे या आप इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, जिसको जल्दी जॉब चाहिए वो इंटर्नशिप लेके भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, काफी यूजफुल होगा अगर आप ये कोडिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेंगे इंजीनियरिंग के साथ साथ या इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई बात। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।